महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर चलने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि सीनियर रेजिडेंट का पोस्ट क्रिएट किया जाए, सातवें वेतन आयोग के मुताबिक डीए मिले, कोरोना काल के बकाया राशि का जल्द सरकार भुगतान करे। पंजाब की रूपनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 12 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक ये लोग हथियार और ड्रग्स की तस्करी करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक लड़की की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। दरअसल रविवार को 8वीं क्लास की छात्रा को एक कार ने कुचल दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। दरअसल नए साल के मौके पर कमालपुर चौकी के पास रात 10:10 पर एक ड्रोन दिखा। बीएसएफ के जवानों ने फौरन इस पर फायरिंग की, जिससे ड्रोन पाकिस्तान की सीमा की ओर वापस लौट गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के रजौरी में डांगरी गांव में आज 2 जगहों पर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक धमाका टारगेट किलिंग के पीड़ित के घर के पास जबकि दूसरा गांव के चौक पर हुआ। ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। आईडीजीपी मुकेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है। ब्लास्ट से थोड़ी देर पहले ही डांगरी चौक पर हिंदू संगठनों ने टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली के कंझावला में लड़की को 10-12 किलोमीटर तक कार से घसीटने और मौत के मामले में सुल्तानपुरी थाने पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं मंगोलपुरी में भी भारी संख्या में लोग घटना के खिलाफ सड़क पर उतर आए और पुलिस और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भी एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया और एलजी के खिलाफ नारेबाजी की, इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है, जिसकी जांच के आधार पर अब आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह एक लड़की का शव बरामद हुआ है। मौके पर दादरी थाने की पुलिस पहुंची है। महिला के हाथ, पैर, सिर में गहरी चोट के निशान है। पुलिस को मौके से एक बड़ी गाड़ी के टायर के निशान भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक किसी बड़ी गाड़ी से महिला की टक्कर हुई है। हादसे में आगे की जांच की जा रही है। राजस्थान के पाली के पास सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के 8 डिब्बे डीरेल हो गए, जिसके कारण रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कई ट्रेन के रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा, तो वहीं कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई को रद्द किया गया। हादसे में 8 से 10 लोगों को चोट आई है। ट्रेन बांद्रा से जोधपुर जा रही थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया। रेल मंत्री ने गंभीर रूप से घायलों को 1,00,000, हल्की चोट पर ₹25,000 की मदद का ऐलान किया है। तुनिशा डेथ मिस्ट्री में आरोपी शीजान की मां और बहन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लव जिहाद के एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। शीजान पर तुनिशा को हिजाब के लिए दबाव डालने के आरोप को गलत बताते हुए शीजान की बहन ने कहा कि जो तस्वीर सामने आई है वो शो की है। तुनिशा को दरगाह ले जाने की बात भी सरासर गलत है। शीजान की मां ने कहा कि हम भी तुनिशा के लिए इंसाफ चाहते हैं। तुनिशा को कभी मां का प्यार नहीं मिला और वो अपनी मां को पसंद नहीं करती थी, यहां तक कि वो मुझे अम्मी कहती थी। यूपी के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूपी सरकार ने याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। एसजी तुषार मेहता ने जल्दी सुनवाई की मांग की है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के लिए केस की लिस्टिंग की है। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए बिना ओबीसी रिजर्वेशन चुनाव करवाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच सियासी जंग जोरों पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।